तमिलनाडु में 1995 से लेकर 2014 तक कुल मिलाकर 34,436 हत्याएं हुई हैं। इन हत्याओं के पीछे जाति, धर्म, राजनीति, प्रेम, अवैध संबंध, गुंडागर्दी, जायदाद, व्यापार में वृद्धि, इस तरह के कई कारण हैं। इन हत्याओं की वजह पता लगाने के बाद पकड़े गए हत्यारे आज कारागार में हैं। उनमें से कई लोग तो मर चुके हैं, पर उन हत्याओं की वजह जाने बिना आज भी कई हत्याएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो दिल दहला कर रख देगी। मरने वाला ये नहीं जानता कि वो क्यों मर रहा है, मारने वाला नहीं जानता वो मार क्यों रहा है। उनका उद्देश्य है सिर्फ पैसा। सारी हत्याएं पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। देश में होने वाली हत्याओं के पीछे बुरे लोग ही वजह नहीं होते। वैसे भी कई लोग हैं जो ये सोचकर पीछे खड़े रहते हैं कि हम इस मुसीबत में क्यों पड़े। उनकी भी इसमें अहम भूमिका है। कृष्ण भगवान, दुराचार बढ़ने दो, अन्याय होने दो, खून खराबा होने दो, कातिलों को बचने दो, कलेक्शन होने दो, गल्ला भरने दो, खूब पैसा कमाने दो, मेरे भगवान कृष्णा। हाँ हाँ, भगवान तो जरूर सुनेगा आपकी। मेरे पापा के घर के पास 5 एकड़ की जमीन मिल रही है, कब खरीद रहे हैं आप? खरीदना खरीदना कह कह कर मेरी खोपड़ी को भी 3 एकड़ की जमीन बना दिया। मना थोड़े कर सकता हूँ, खरीद लेंगे। क्या जी, आप भी ना। वो सामने वाले ने अपनी पत्नी के नाम पर 2 एकड़ जमीन खरीदी हुई है। वो तो बस एक हवलदार है, आप तो हेड कांस्टेबल हैं। जब वो एक हवलदार होकर 2-2 घर बनवा सकता है तो आप तो 3 घर बनवा ही सकते हैं ना। अगर हम 5 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद पाए तो क्या मतलब है जी? तुम इतने करीब आकर खड़ी हो तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। तुम्हारा धंधा हुआ या नहीं हुआ मुझे कोई मतलब नहीं। सरकारी जमीन पे धंधा लगाना आता है ना, तो सरकारी आदमी को पैसा नहीं दोगी क्या? चल पैसे दे। सत्यानाश हो तेरा, बच्चे के दूध के पैसे लेकर जा रहा है। तुम भले ही शेविंग मत करो लेकिन पैसे देकर जाओ। पैसे दो, चलो जाओ जाओ। ए तेरा क्या हुआ, बुला बुला उसे। सर हाँ, पेपर तो सारे ठीक है सर। हाँ हाँ, वो मैं भी जानता हूँ। चाबी चाहिए तो 500 रुपए देकर जाओ। सर 400 ही है मेरे पास। हाँ जल्दी दो। ये भाई, तुम्हारे पापा तो वैसे वसूल कर रहे जैसे ब्याज में पैसे दिए थे। सर ये लीजिए चाबी। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या आपकी लीलाओं पे फिल्म बना रहा हूँ? फिल्म? मैं जो कहूँगा वही आप करेंगे। माँ को दिखाऊंगा कि देखिए पापा कितनी मेहनत करते हैं, या तो आपके बड़े साहब को दिखाऊंगा। क्यों भाई गोपाल? सर देखा तुमने, ये मेरा बेटा है, अपने बाप को ही पकड़वाने के लिए वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है। छोड़िए सर, सारे बच्चे ऐसे, वसूली पे ध्यान दीजिए ना। ए तुझे भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। 5 पैसा भी नहीं है, निकल यहाँ से। अपने बेटे से झूठ नहीं, आज कितना कलेक्शन हुआ है मैं जानता हूँ। मेरा हिस्सा दे दो बस। हिस्सा? ये तेरे दादा की जायदाद है। 1 घंटे यहाँ खड़ा रह के देख, नीचे का पसीना ऊपर चढ़ जाएगा। बैठने को भी समय नहीं, ये मेहनत की कमाई है। ये क्यों देख रहा है? क्या देख रहा है? उनमें हमें ज्यादा फर्क नहीं है। वो लोग पैसा खड़े होने के बाद मांग पाते हैं और हम पैसा रोक कर मांग लेते हैं। एक फर्क तो है। क्या? वो यूनिफॉर्म के बिना भीख मांगता है, आप यूनिफॉर्म पहन के भीख मांगते हो। गलत बात मत कर, तुझे पैदा करके गलती कर दी मैंने। ये बात तो 20 साल पहले सोचनी चाहिए थी। कल मेरा जन्मदिन है, 21 का हो रहा हूँ, उसके लिए पैसे मांग रहा हूँ। सुन, जन्मदिन मनाना हो तो खुद के पैसे कमा कर मनाना चाहिए, बाप से पैसे मांग कर नहीं मनाना चाहिए। एक बात मेरी लिख करके रख ले, जब तक ये वर्दी मैंने पहनी है तब तक तुम्हारी इज्जत है, और जिस दिन मैंने ये वर्दी उतार दी ना तो लोग तुझे लात मार के चले जाएंगे, समझा? नहीं सुधरेगा, आवारा हो गया है। तू अन्न खाता है या घास खाता है? और मुझे ऐसे क्या घूर रहा है? यही कह के डांटा होगा ना तेरे बाप ने तुझे। पर कैसे यार? और नहीं तो क्या, माँ की जुबान में फिर भी अंतर है, लेकिन 500 सालों से बाप की जुबान एक ही है, सब एक है, बस अपने बापों के शक्ल और आकार अलग अलग है। सारे बाप ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज होते हैं। अरे जब हम पैदा हुए तभी तो वो बाप बने।
हमने ही तो प्रमोशन दिया था ना। अगर हम पैदा नहीं होते तो हर किसी से गाली खाते रहते हैं। एक सारे बाप लोग अपने बच्चों के दोस्तों को सुधारने में लगे होते हैं। इसमें हमारी दोस्ती का कोई कसूर नहीं है। अब वो वैसे हैं तभी तो हम ऐसे हैं। अरे इतने अच्छे टाइम पर बुरी बुरी बातें करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो बर्थडे मनाते हैं ना यार। ठीक है ए बर्थडे बॉय, चल चाबी दे। मेरी चाबी? तेरा बर्थडे है, पियेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? तुम सब यहीं पे रुको, मैं जाके खंबा लेके आता हूँ। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। आराम से जाना बेटी, संभल कर। अपने बाप की शक्ल देखे बिना अपने बाप से बात करती है क्या बेटी है? बहुत खुशी होती है, बातें मानती है, दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। सुनिए। हाँ बोलो, मुझे बुलाया क्या? लड़का आईटी में काम करता है, उसके लिए तो 5 ग्राम चलेगा, मेरी बहन के लिए 50 ग्राम रेडी कर लेना। सुनो मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे सुंदर हो इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी ना, अब क्या तुम्हारी पांचों बहनों की शादी मैं ही करवाऊंगा? तुम्हारा बाप क्या सिर्फ नाम देने के लिए है? अच्छा चाबी कहाँ है? हैं? जहाँ रखते हो वही होगी। अरे यार अब नहीं पियेंगे यार, बहुत सर में दर्द हो रहा है। तो सर में दर्द होगा ही, आगे से मिक्स करके पियेंगे। अरे भाई चाबी कहाँ गायब है? अरे गाड़ी ही गायब हो गई, तुम चाबी ढूंढ रहे हो क्या? गाड़ी गायब है? हाँ भाई जेब में देखिए। आप अपनी जेब तो दिखाओ। अरे अपनी जेब में देखिए ना कमल, अपनी जेब में देखो। मेरी जेब में? अरे ये कैसी रसीद है? क्या हुआ, कोई भी थाने नहीं गया? गाड़ी गायब हो गई। गाड़ी गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? मेरे बेटे का जन्मदिन था, लाड साहब ने पार्टी मनाई है। ये तो अच्छी बात है ना। मेरी गाड़ी गिरवी रखकर मनाई है, इसीलिए कहा था बेटी पैदा कर लो, ज्यादा बात भी नहीं करेगी, इज्जत भी बनी रहेगी। आज किसका जन्मदिन है यार? दिखाओ किस दुकान पर गिरवी रखी है। उसने ये गाड़ी दिखाकर कहा कि उसका बाप मर गया और मुझसे पैसे ले गया। उसका बाप मरा नहीं था, बेटे ने ही अपने बाप को मार डाला। हाँ? उस आदमी का सर काट कर खून से टपकता हुआ उसी बाइक से लेकर गया था, और उस बाइक के लिए तुमने पैसे दिए। हे भगवान, तुम एक काम करो, तुम्हें का 25,000 रुपए दो और उस बाइक की चाबी दो, उस बाइक पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं हम उसे साफ कर देंगे। अब सोच मत, बाद में पछताएगा। क्यों भाई, तुम्हारी बातें ना तो बच्चे मानते हैं ना तो यहाँ सेठ मान रहे हैं। चलो कोर्ट जाते हैं, जज तो सुनेगा हमारी। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, गेम मत दे दे। हे सुनो, तुम इसे महीने के हिसाब में मत डालना, ये मेरे बेटे ने मेहनत करके कमाया है। सुनो वसूली की लिस्ट फिर से बोल रहा हूँ, कैदियों की वसूली, ब्यूटी पार्लर, वैश्यावृत्ति, मसाज सेंटर, क्लब, वाइन शॉप, बार, रियल एस्टेट, ब्याज, पंचायत, लॉज, मार्केट, नकली वीसीडी में कमाए पैसों के साथ सेठ से लिए हुए 25,000 रुपए भी हैं। ये क्या, हमारे आने से पहले ही न्यूज आ गई? और क्या, स्कॉटलैंड की पुलिस से ज्यादा हमारे लोग तेज हैं, ये तो इन्हें देखकर ही पता चलता है। सबूत इतनी जल्दी मिटने वाले नहीं है सर। क्या है, हम दोनों घर से भागकर यहाँ आए हो? हाँ सर। अलग अलग जाति के हो इसलिए घर वाले नहीं मान रहे होंगे। क्यों रे, तुम लोगों को चर्बी है इसलिए कोर्ट के चक्कर लगाओगे, वो लोग मारते जलाते रहेंगे, पब्लिक में से 4-5 लोगों को पकड़ोगे और उनकी खोपड़ी तोड़ोगे, और हमें तुम्हारी सुरक्षा के लिए धूप में दौड़ भाग करनी होगी। मानव बम से भी ज्यादा खतरनाक ये प्यार करने वाले होते हैं, वो इंसान अपने शरीर पर बम लगाकर किसी को गले लगाएगा तो 8-10 लोग मरेंगे, लेकिन तुम दोनों गले लगाओगे तो पूरा शहर जल जाएगा। सर हमारे दोस्तों ने बोला था कि पुलिस के पास जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। सर तुम्हारे दोस्त का नाम क्या? ना वही जो लड़कियों को भगाता है, जो प्यार करने वाले लोगों को मिलाकर शादी कराता है। ए, जल्दी से इन दोनों को रिमांड में लो। कितने पैसे हैं? सिर्फ 2,000 रुपए हैं सर। बाहर निकालो। प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये लो इसे लेकर अपने घर पहुंचो, मैं 15 दिन बाद आऊंगा। अगर ऐसे ही छोड़ देता तो तुम लोग किसी दूसरे थाने पहुंच जाते। भाई से तुरंत रिमांड में लो, 15 दिन में तुम्हारे प्यार का क्या होता है मैं अभी देखता हूँ। अपने कांस्टेबल सिंगम को देखकर अशोक चक्र के चारों सिंगम भी सैल्यूट करेंगे। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। ये फर्ज किसे कह रहे हैं? 1,000 रुपए वापस दिए थे ना उसे ही। अच्छा इस महीने की वसूली कितनी हुई? बहुत कम आया है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे करोड़ आना चाहिए। नारायण का ही भरोसा है। नमस्ते भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
हे भगवान, सभी की जिंदगियां तुम्हारे हाथों में है, लेकिन मेरी जिंदगी इस थाने के भरोसे ही है। पुलिस विभागाय नमः। नमस्ते। अपने पड़ोसी की शक्ल देखने का इतना इफेक्ट हो गया, भीड़ ही नहीं है, ना जाने उसके घर वाले कैसे जिंदा हैं अब तक। भाई आज 18 टोकन गए हैं। क्या बात है, आजकल लोग सुधर गए हैं क्या, या तू अलग से टोकन दे रहा है? अरे नहीं भाई, आपके अलावा यहाँ का कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। टोकन नंबर वन। नमस्ते भाई। हाँ। गहने चोरी होने की कंप्लेन मैंने कर दी है, एक महीना हो गया साहब, अभी तो कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा, गाय भैंस को भी चारा डालो तो दूध देती है। कितना तोला था? 10 तोले थे। 10,000 दे दो। 10,000? तुम्हारे गहने की कीमत 2,00,000 रुपए है, 10,000 भी खर्च नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? ये लीजिए। 5 तारीख को आ जाना। ठीक है साहब। हाँ, जाओ 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 जाओ। 8 तारीख तुम 10 दिन बाद आना। 12 अवैध संबंधों में कम्प्लेन देते हैं, जाओ जाओ। 20 तारीख को आना। क्या रे, टोकन नहीं दिया? नहीं भाई, चाय पीने आया था तो राशन कार्ड यहीं भूल कर चला गया। ओ तो तू ही है, 5,000 दे भाई। नया कार्ड नहीं भाई, अपना तेरे ही कार्ड का 5,000, नया कार्ड तो मुफ्त है। क्या भाई, मुफ्त में मदद करोगे, ऐसा बोर्ड टांगा फिर भी पैसे मांग रहे हो। बोर्ड फ्री में है, मैं फ्री में नहीं हूँ। महीने का राशन कार्ड से दाल चावल तेल कितने का ले लेते होगे? 1,000 रुपए का खरीदता हूँ। बाहर कितने का मिलता है? 8,000 मिलता है। 2 महीने का 16,000 हो जाता। तो 5,000 ही तो मांग रहा हूँ, हिसाब से पैसे दे, उस हिसाब से कार्ड। कार्ड चाहिए या नहीं? चाहिए ना भाई। लाओ इधर, फ्री में दूंगा तो वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए पैसे लेकर दे रहा हूँ। आगे से संभालना, चलो जाओ। राशन कार्ड 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिरवी रखने के लिए या बिल देने के लिए। हाँ भाई। ये हमारी कटिंग है, ये स्टेशन की कटिंग है। गुड मॉर्निंग सर। अजी को भी 2 मिनट लेट से इसे लूट करते होंगे, लेकिन मेरे लिए इतना फास्ट सब पैसे की माया है। आओ आओ वसूल चक्रवर्ती, बस तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। आपको जितना दो उतना कम ही है, कलेक्शन देखने के बजाय काम पर भी ध्यान दो, बहुत सारे केस पड़े हैं। पब्लिक के केस तुम्हारे लिए ही तो पेंडिंग पर रखते हैं, तुम्हारे केस सॉल्व हो गए तो वसूली कैसी होगी? हाँ ये कहते रहना, पैसे तो हिलते हैं, केस कहाँ हिलेगा। अरे जाने दो, वो सब छोड़ दो भाई, मैंने 2 बाइक चोरी की थी, आप 3 बाइक मांग रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। ओए, इस बार तू फंस गया है ना, एक बार बोल दिया होता मैं सिफारिश कर देता, बोलना चाहिए था ना। छोड़ो, तुम पैसे निकालो ना। कलेक्शन पे ही आंखें गड़ाए रखना, जितना भी दे दो कम ही रहता है। अरे वाह, ड्यूटी करने का तरीका तो देखो, इसको टाइम पर सैलरी और चाय भी चाहिए, कितनी देर सोएगा। सर नमस्ते। सर तुम हो, मेरे पीछे तो लोग हाथ धोकर पड़ गए। ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। घर पर क्या नाइट ड्यूटी थी? वहाँ से रिटायर हुए 6-7 साल हो चुके हैं, अब उस बात को यहाँ पर क्यों उकल रहे हो तुम? तो फिर बार बार चंपा के घर क्यों जाते हो? तुम जैसे लोगों को जानता हूँ मैं। तूने उसे देखा था ना? अरे क्या हो गया? क्या है, रास्ते पे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही तुझे? ये देख इंडिकेटर, ये देख पीछे का टेल लाइट सब टूट गया। चल 2,000 रुपए निकाल। अरे व्हील भी टेढ़ा हो गया। तो फिर तुझे 2,500 देने पड़ेंगे। ए चलना दे। पैसे नहीं सर। देख पैसे नहीं है बोल रहा है, एक काम कर, गाड़ी यहीं पे रहने दे, तू जा पैसे लेकर फिर गाड़ी लेके जाना, ठीक है ना? इतना सामान लगा रखा है इसने, ये भी इल्लीगल है भाई। हां सही बोल रहा है, तू गाड़ी यहीं पे छोड़, तू ट्रैफिक संभाल जा। तुम क्या कर रहे हो? अरे फोन निकालो भाई, तुम्हारे ओनर से बात करना पड़ेगा ना मुझे। फोन निकाल। अबे निकाल फोन, जा। ए मेरी बात सुनो, आज दारू और चिकन यही खिलाने वाला है। ठीक है। ओनर फोन पर है। फोन पे बात नहीं करूंगा, जो भी है उसे सामने आने को बोल, फोन पे बात करवाएगा। ए बोला ना उसको, बुला इधर। ठीक है सर। नमस्ते मैडम। क्या हुआ? जबरदस्ती रुकवा कर झगड़ा कर रहे। ओए इधर। ओनर को बुला, बोला तो ये लड़की को क्यों बुलाया? यही ओनर है सर। एक्सक्यूज मी। अपना एक्सक्यूज अपने पास रखिए, अब तक हमारी हड्डियां टूट चुकी होती, बीन बज गई होती हमारी। चुप भी करो यार, देख नहीं रहे शरीफ लड़की है? अरे बाप रे, पहले तो दोस्ती करने के बाद इंसान पहचानता था, अब तो देखते ही पहचान लेता है। दरअसल कुछ आवारा लड़के ड्राइवर से झगड़ा कर रहे थे, ऐसा भी कह रहा था। आवारा लड़के थे, हमें देखते ही वो भाग कर चले गए। उन आवारों में से ये भी एक था लगता है, बताना भूल गया। आपके घर में कोई फंक्शन है? नहीं, मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये लीजिए मैंने कहा। अमृता तिरुपति, ये तिरुपति क्या आपके पति का नाम है? नहीं, मेरे पापा का नाम है। ओह, पापा का नाम है। आपका नाम? मेरा नाम अमर है। मुझे भी कलरफुल कार्ड छपवा लेना चाहिए।
भाई इसकी बात से लगता है अपनी चिकन और दारू दोनों गई। लगता है दिमाग खराब हो गया इसका। ये इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? अगर किसी को कोई अपना फंक्शन करना हो अच्छा? तो ए टू जेड सारा काम हम ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई शादी होती है तो लड़का लड़की को सिर्फ आना होता है, मंडप से लेकर खाने तक सारे अरेंजमेंट्स हम ही करते हैं। दूल्हे और दुल्हन को कितना तोला सोना देते हैं? चुप करना, वैसे आपके बिना मेरी शादी नहीं होगी। आप बस तारीख बताइए, बहुत धूमधाम से करेंगे। आप जब भी फ्री हो उस दिन शादी हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। ओके बाय। मेरा बेटा भाग गया क्या? जाओ उनके पास कंप्लेंट लिखवा दो, मिलते ही भिजवा दूंगा। मेरा बेटा नहीं मिलेगा, मेरा बेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बेटे को मार डाला। किसने मारा? उस करुणा ने मार डाला साहब। किसने? करुणा ने? बोलो साहब जी। करुणा कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? सबूत मिटाने का भाव। आपकी सेवा किए बिना मैंने कोई मर्डर नहीं किया। आपका जो हिस्सा अब तक पहुंच जाएगा। उस बुड्ढे से एक साइन लेकर रख लो, बाकी सब वकील देखेगा। कृष्णा देखो बुढ़े, इस बुढ़ापे में चिल्लाकर अपनी जान भी मत गंवा बैठना। तुम्हारे जाने से पहले कुछ पैसे वैसे दिलवा दूंगा, दुकान वगैरह लगा कर दिन काट लेना। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये पैसों के लिए मना कर रहा है? जाने दो, हम ले लेते हैं ना। आपके भरोसे आया यहाँ पर, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। ये अन्याय रोकने वाला कोई भी नहीं है क्या? दस गुब्बारे फोड़ो तो हजार रुपए का इनाम। हाँ जी। ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है। अब आप फोड़ कर दिखाइए, हम हजार रुपए देंगे। वाओ, सुपर। आप ही रख लो। लेकिन आपने कैसे फोड़े? ये तो मेरा काम है। वापस आते समय ले जाऊंगा, पैसे निकाल के रखो। ये अच्छा लग रहा है ना? क्या बढ़िया, हमेशा स्टॉक बराबर रहता क्या? नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग पैसे ले जाते हो। बढ़िया, मुंह बंद रख, मत करो बेटा। ओए यहाँ क्या है ये? गुब्बारे फोड़ने की दुकान। भाई दिल्ली से कट्टा मंगवाया ना, उसे ही चलाना सीख लेते हैं। तुम पहले शुरू करो, बाद में हम भी ट्राई कर लेंगे। भाई गुब्बारे का निशाना कब साधे हम? इंसान पर निशाना साधो भाई। ए गुब्बारे वाले चल जा, जाना जा। जाना ए, चल ले। भाई से खड़ा करके क्या निशाना लगाना? हम तो बंदूक निकालते तो लोग भागने लगते हैं, इसे भगा भगा के निशाना लगाते हैं ना, फिर मजा आएगा। क्यों रे, चल भाग, चल चल चल, भागना चल रे, चल चल। तुम्हें धंधा लगाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? पापा की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती करा के इलाज कराना है, इसीलिए धंधा करने यहाँ चला है। इस दरिया किनारे धंधा लगाना है तो उन मवालियों को वसूली देनी ही पड़ती है। तुम जाकर करुणा से मिलो। कौन है ये करुणा? हेलो। हाय अमृता, मैं अमर बोल रहा हूँ। अमर, ओ बोलो। वो क्या है ना, हमारे मोहल्ले में एक जरूरी इवेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि वो आप ही करें। हाँ करूँगी ना, वही तो मेरा काम है। 5 लोगों के लिए बैठने की कुर्सियाँ, 500 स्क्वायर फीट का पंडाल और 500 लोगों के लिए चाय कॉफी खाना, आपको ये सब करना होगा। हाँ सब हो जाएगा। ये बताइए कितना टाइम लगेगा? आपने जितने आइटम्स बताए हैं उसे अरेंज करके लाने में करीब 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है ठीक है, पर आप आएंगी तो ना? मेरे बिना और कौन करेगा?
तो आइए आइए, मैं आपको एड्रेस एसएमएस करता हूँ। ठीक है, थैंक्स। चल 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 चल, जल्दी सामान उतार, आजा 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 आजा, सब इसके अंदर डाल, सब इसके अंदर, आराम से आराम से। हे लांगा, चल इसके जैसे चार लोग और मिल जाएं। सही कह रही है। कमाल के। अरे लेकिन मुझे एक तो बताओ, वो वसूली आ गई क्या? एक्सक्यूज मी, हाय। पता नहीं इसने क्या बात की होगी। आप जाइए पापा, मैं बात कर लूंगा। दोस्त है क्या ये? तो अच्छा हुआ कि आप आ गई, मैं तो सोच सोच के डर रहा था कि आप आएंगी ही नहीं। ए कैसे बचा रहा है, ठीक से बचाना, ला मुझे दे। छोड़िए छोड़िए इसे, छोड़िए, एक मिनट एक मिनट, आइए आइए आइए। आप अमृता सुनिए तो, आप तुम आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने गलती कर दी। अरे यार, मेरा भरोसा करके आप घर से भाग कर आई हैं? बकवास मत करो, यू आर अ चीटर। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है जानते हो? तुम जैसे आवारा लड़के को इवेंट क्या होता है क्या पता? उस दिन सड़क पर हंगामा किया था और आज घर बुलाकर सबके सामने इंसल्ट कर दी। तुम्हारे टाइम पास के लिए हमारा प्रोफेशन क्यों खराब कर रहे हो? इसमें मैंने गलत क्या किया? लाइफ का हर एक पल एक इवेंट ही तो होता है। लाइफ खुद एक इवेंट है, पर हम उसमें अच्छा बुरा ऐसा फर्क करते हैं। आपने अपने कार्ड में सिर्फ अच्छे इवेंट करूंगी ऐसा लिखा था क्या? कोई खुशी में हंस रहा हो तो उसके साथ खड़े होकर हंसने में कोई बड़ी बात नहीं है, पर रोने वाले के साथ उसका दुख बांटना बड़ी बात है। बुजुर्ग की मौत हुई है कहता तो क्या आप आती? ये खुशी वाली मौत है। खुशी वाली मौत? देखा, ऐसे ही आपने भी पूछ लिया होता। किसी बुजुर्ग की मौत को हम खुशी से मनाते हैं। लेकिन हम ये सब नहीं करते। अब से करना। किसी गांव में अगर कोई मर जाता है तो अमेरिका में बैठकर वीडियो पर उसे देखने का जमाना है ये। लंदन में लिंडा थॉमस नाम की एक बहुत अमीर औरत है, मल्टी मिलियनर। अपने सारे बिजनेस को छोड़कर वो बस यही काम करती है। कौन मरा, किस जाति का, किस धर्म का, ये सब देखे बिना अपने बेटे या बेटी की तरह अधिकार से सारे क्रियाकर्म करती है। इस सब से वो सिर्फ पुण्य ही कमाएगी। और जब हमारे यहाँ कोई पहचान का मरता है तो उसके रिश्तेदार भी उसके लिए दिल से नहीं रोते। फोन पर जब खबर सुना हो तो बॉडी कब उठाएंगे ये पूछते हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं वो। कुछ दिनों में सभी आपकी तरह इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। अर्थी उठाने से अस्थियां बहाने तक का काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा है, अभी तैयारी कर लो। ऐसे टाइम पर देखा हमारे लड़के कैसे फुर्ती से काम कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी ऐसे जगह पर इतने काम कर सकते क्या? तुम लुढ़क गए तो साइड में बैठकर नाक बहाते हुए रो ही सकती है। इसीलिए कहते हैं लड़के पैदा करो, ना पहले खर्चा ना बाद में। अब छोड़ो, की उम्र हो गई तो माँ मर गई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, तुम्हारे पापा के दोस्त की माँ गुजरी तो उसे अपने दादी समझकर विदाई दी, तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? ए सुन, जरा बिल दे। थैंक्स मत बोलिए, बस इनका बिल दे दीजिए। अरे माँ, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? पानी लेकर आओ, आओ आओ, पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, अरे पानी लेकर आओ। उठो अंकल। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया था, गिर क्यों गए? लेकिन जाइए और हमारे पैसे लेकर आइए, देर हो रही है। हाँ जाओ जल्दी से पैसे लेकर आओ। तो आज मेरी माँ जिंदा है। कैसा लड़का पैदा किया है, ऐसा काम किया है तो क्या फ्री में समझा था? किसने हिसाब लगाया था बेटे, बहुत साफ साफ है। मैंने ही लाया है। थैंक यू अंकल। हिसाब लगाने लग गया है। ये लीजिए। ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? अरे ये तो मैं बहुत कम दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, पकड़िए, ये आपके ही हैं, बाद में गिन लीजिएगा।
अब तो हम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, तो कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। ये सब तो आप और आपके दोस्तों ने किया है, चाहो तो जो सामान भिजवाया है सिर्फ उसके पैसे दे दो। वो सब जाने दीजिए, अब तो हम लोग बिजनेस पार्टनर हो गए हैं। कल को कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो हम देख लेंगे, पैसे आप रखिए बाकी बाद में देखेंगे। पार्टनर? हाँ पार्टनर हो गए ना। थैंक्स। आगे मैं और बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? मंत्री साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कार में ही है भाई। क्या मंत्री? आओ करुणा, जब मुसीबत आती है तभी करुणा की याद आती है ना। वो मैं नहीं जानता, मुझे वो जायदाद चाहिए बस। मैं देख लूंगा, जायदाद तुम्हें ही मिलेगी मंत्री। ठीक है, चलता हूँ। अभी आया मैं। हाँ ठीक है, मैं बाइक थोड़ा आगे रुका था। ठीक है यार, जल्दी बता। सर बस करो सर, आपको केस चाहिए तो मुझे हर महीने पकड़ कर अंदर कर लेते हो, पैसे भी लेते हो, केस भी बना लेते हो, आपके नाम की चार्जशीट बनवाऊंगा। अच्छा, हमारे पास तुम्हारे केस बनाने के लिए गांजा सबूत है, लेकिन मैंने तुमसे पैसा लिया है इसका क्या सबूत है? ठीक है वो सब छोड़िए सर, कानून ये कहता है कानून CBC सेक्शन 54-56 के तहत मुझे कोर्ट में ले जाने के बजाय यहाँ बिठा कर रखना भी गुनाह है। अरे रे रे रे, हमें कानून सिखाने लगा है, चोर कब से वकील बन गया? भी जानकारी तुम्हें खाल उधेड़ दूंगा। कानून हमें सिखा रहा है कानून, बस एक घंटे में कोर्ट लेकर जाऊंगा, तब जज के सामने अपना कानून बताना, हमें कानून सिखाता है। पापा आपसे ज्यादा कानून वो जानता है। खाना लेकर आया ना, अब तू जा यहाँ से। पैसे दे दीजिए चला जाऊंगा। तू उधार देकर रखा है क्या, या फिर मुझे पैसे देने वाला ATM मशीन समझ रखा है? आप ATM नहीं हो इसीलिए आपको स्वाइप नहीं किया, आप दूसरे से छीनते हो ना, मुझे दे दो फिल्म देखनी है। ये हुई ना बात, सुना क्या कमल, बाप अगर नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है। बेटा पैदा किया है या बवाल, जो मुंह में आए बोले जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है लड़कियां पैदा करनी चाहिए, घर में काम भी करते, मुंह भी नहीं चलाती। सर देसी गांजे का रेट कितना है पता है ना सर? किसी को भी दिया होता तो 75,000 मिल जाते थे, मंडी बाजार में बेचा होता तो तुरंत हाथ में 50,000 रख दिया होता। चलो सर, पैसे मांगू तो बातें सुनाते हैं, तू हमें रेट बताएगा? तू हमें रेट बताएगा? गांजा ही उड़ा देता हूँ। ये क्या, इसमें तो पन्ना ही गायब है। उसके लिए तो पैसे लिए थे ना। ओए, चीज जमीन के बारे में लिखा था वो तुमसे ही लिखवाया था ना, फिर वही बात दोबारा क्यों बोल रहे हो? ए, चल इधर आ साहब, वो गांजा तो देना। अरे वो ला ले लो। अरे कहाँ गया? अरे यहीं तो रखा था, गायब है। गायब है? अरे तेरा बेटा खाना लेकर आया था तब तक तो यहीं पे था। क्या कहा, गांजा गायब हो गया? तब तो केस क्लोज, FIR बनाया था ना, तुम सभी की नौकरी की तो लग गई। ओए रुक 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 रुक। अरे रुक, बोला ना रुक। अब क्यों रुकवा रहा है? ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, तू इंतजार कर मैं आता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तू बाद में मिल। गांजा बेच के पैसे बनाएंगे, एक महीने तक खर्चे पानी की कोई चिंता नहीं। ये देख कमल, तुम्हारा बेटा आया था, खर्चे के लिए पैसे मांगे थे, तुमने नहीं दिए, मुझे उसी पर डाउट है, उसी ने उठा होगा, फोन करके पूछ लो। सुनो साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है, समझ गए? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? उसने गांजा उठाया या नहीं यही पूछा ना, हमें हर किसी पर शक करना चाहिए, फोन करके पूछो ना। गांजा बेचने वाला कहाँ मिलेगा भाई? वो उस ऑटो की तरफ है। क्या हुआ? रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा। तो फिर से लगाओ ना। अरे क्या हुआ? अरे उठाता ही नहीं, गांजा उसी के पास है इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है। भाई क्या? गांजा। गांजा एरिया में नहीं आया है क्या? वो क्या है? वो तू मेरे को कहां से दिलाएगा? मेरे पास है भाई। तेरे पास है? दिखा तो। ये ओरिजिनल माल है भाई, जंगल से आया है। कितना? 40,000 रुपए। 40 नहीं मिल सकता है, 20,000 दूंगा, चलेगा तो बोल। ठीक है भाई, ये ले जा। सुनिए, आपके बेटे के साथ ही होगा, उसे एक फोन तो कीजिए। सही है।
हेलो। हाँ पापा। कहाँ हो बेटे? मैं माउंट रोड पे। अच्छा, क्या हुआ ना कि यहाँ थाने में एक प्रॉब्लम हुई है। एक आरोपी को गांजा के साथ थाने में बंद किया हुआ था, अब अचानक से वो गांजा मिल नहीं रहा है बेटा। कहीं उस कालिये ने तो नहीं उठाया? एक घंटे के अंदर उस गांजे के साथ आरोपी को अगर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया तो हम सभी की नौकरी गई। तुम्हारे साथ वो कमल का बेटा घूमता है ना, वही थोड़ी देर पहले यहाँ आया हुआ था। मुझे तो उसी पर डाउट है। अगर उसने लिया होगा तो उससे लेकर दिलवा दो। सीरियसनेस समझे बिना मजाक मत करो। ठीक है पापा, आप लोग सब जल्दी से माउंट रोड के ब्रिज गली पर आ जाइए। तुम बस उसे लेकर रखना। ओके साहब, क्या बोला हो? माउंट रोड के पास बुलाया। चलो। चिकन बिरयानी कोको कोला, चिकन बिरयानी कोको कोला, चिकन बिरयानी कोको कोला, चिकन बिरयानी कोको कोला। ए, गांजा किधर है? बेच दिया, पता चल गया क्या? अरे तू भी ना, जब तक हमारे बाप वर्दी में है उनकी इज्जत है, उसे उतरवाना क्यों चाहता है? मैं खर्च निकाल रहा हूँ तो उसमें भी। चल इसे वापस करते। किसे बेचा था? दिया था मैंने। ए, इतने माल के बस इतने ही? चल वापस दे। ए, कौन सा माल? यहाँ कुछ नहीं मिलता। ए, तू मुझे जानता नहीं है, मेरा बाप पुलिस में है। चल। ये तो 20 ही दिए तूने। चल देना। मैंने 80 दिए थे ना, ये तो 20 ही है। दिमाग खराब हो गया क्या? चल निकल। ए, चल, क्या कर रहा है? दे। अरे ए, 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 अरे ले इसे पकड़। ए, रुक जा। पकड़ उसे। ए, रुक। अरे रुकना। ए, वापस दे। चल। ए, रुक जा, रुक। ए, वो मेरा, छोड़ से। थोड़ी बननी चाहिए। गांजा भाई, ये मेरा है। हाँ तो मुझे दे दो। तुझे चाहिए? इस वाले का बेटा हूँ। हाँ तो ये ले ले। क्या करेगा? माल तो दे दो यार, बोल रहा हूँ ना। तो बोलता रहे ना। अपने आदमी को मारा उसने। साहब जी आओ। कृष्णा, तुम पुलिस हो या पुजारी हो? इतनी दूर कैसे आ गए? कल तो भिजवा दिया था मैंने। वो कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा है। उसके बाजू में एक और खड़ा है ना, काला सा मोटा सा, वो मेरा बेटा है। थाने में खाना देने आया था, खर्चे के लिए पैसे मांगे, मैंने नहीं दिया। चोरी चुपके थाने में रखा गांजा यहाँ लेकर आ गया। गांजे के साथ आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। हाथ में गांजा नहीं है, तीनों लोगों की नौकरी चली जाए उस परेशानी में बैठे हम। किसने बच्चे से माल लिया यहाँ पर? कितनी बार कहा जान लोगों से लेन देन मत किया कर, इधर ला। ये लो साहब, एक मिनट रुको जरा, ये रख लो, बांट लेना सब आप। ठीक है, आज खाने में सेहत मिला दूंगा। तुम जाओ ना साहब, बच्चे को मैं भेज दूंगा। चलो चलेंगे। ये सब तेरे पप्पा जैसे अच्छे पुलिस वालों की वजह से ही चल रहा है। सब अपने ही लड़के हैं। क्या बात है, बच्चों को नहला धुला कर सफाई कर रहा है? हाँ भाई,
इसने तिरुचि में मर्डर किया, इसने कोर्ट में मर्डर किया था, और ये ना इसने मदुरई में मर्डर किया है। ए, इसका दांत ठीक नहीं है, ठीक से लगा है, देख। भाई, इसमें जंग क्यों लगी हुई है? ए, उस पनौती को अंदर डालकर रखा कर चार जगह लेकर गया, लेकिन कहीं भी काम नहीं बना। इन सभी ने तमिलनाडु इलाकर रखा है भाई। ए, संभल कर कुल देवता को गुस्सा नहीं दिलाना भाई। आज का सबसे बड़ा आदमी हाँ, he is a big shot of crime too. Okay. ये लोग इंग्लिश में बात करके आसानी से हाथ जमा देते हैं भाई। आजकल इंग्लिश बोलने वाले पर ही तो दुनिया भरोसा करती है, इसलिए इंग्लिश जानने वालों को इंटरव्यू लेकर भर्ती okay, किया है। तब डील फाइनल। हे, एक किलो के 300 पैकेट बना। ये क्या भाई, आप ये सब खुले में कर रहे हो? अरे ये अपना इलाका है, इस एरिया के हर घर में अपने ही लड़के हैं, समझे? हमारी मर्जी के बिना एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता। रोजाना 200-250 लोगों का खाना बनता है यहाँ पर। अच्छी तरह से खाएंगे तो ही तो भगा भगा कर मार पाएंगे, यही तो हमारा धंधा है भाई। अमृता नाम की लड़की आपसे मिलने आई है, उसे अंदर भेज दो। ओके सर। आपने जो कोटेशन दिए है सिर्फ उस वजह से आपको चांस नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपकी काबिलियत की वजह से ये चांस दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपने खुद के रिस्क पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अगर कोई टॉप लेवल सेलिब्रिटी पीक पर हो या हीरोइन हो, अगर वो इस इवेंट पर आए तो जैसा मैं सोचता हूँ ये इवेंट उतना ही सक्सेसफुल हो जाएगा। ये इवेंट जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इतनी लड़कियों को देखे एक साथ कितना समय हो गया ना। हाय गर्ल्स, बैठो ना। थैंक यू। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। क्या खाओगे तुम लोग? आप जो ऑर्डर करेंगे खा लेंगे। ए, सिर्फ खाने के लिए आया क्या? बताइए आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया? मुझे एक इवेंट पे लाया है। हाँ? बड़ी एक्ट्रेस चाहिए, अगर आप किसी को जानते हो तो। बस इतनी सी बात है, मैं ऐश्वर्या से लेकर श्रद्धा कपूर तक और असिन से लेकर रानी मुखर्जी तक सबको जानता हूँ। वो भी आपको जानते हैं क्या? ए, मजाक कर रही हो? किसे बुलाना है बताइए? आपकी चॉइस है, उन्हें तो बस कोई बड़ी हीरोइन चाहिए। सबसे बेस्ट हीरोइन को लेकर आऊंगा, आपका प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल होगा। अब तो हम बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बाय। ओए, क्या हुआ, सुबह सुबह लगा लिए क्या? हमें बताना, हम भी हंसेंगे। क्या भाई, बता दूं क्या? बता दूं? ए, चुप करना यार, कब से पका रहा है? सुबह कॉफी शॉप में क्या लंबी लंबी छोड़ी थी। लेकिन ये कैसे यार, जैसे तेरी पड़ोसी को जानता हूँ बड़ी आसानी से, ऐश्वर्या को जानता हूँ, श्रद्धा को जानता हूँ, आसिन को जानता हूँ, हंसिका को जानता हूँ। कमाल है यार। चुप कर, क्या बोलता, इतनी अच्छी है, पहली बार कुछ मांगा है, कैसे मना कर देता? कह तो दिया, अब क्या करेगा बोल। वही समझ में नहीं आ रहा है, किसी ना किसी हीरोइन को तो लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना डाकू की तरह किसी हीरोइन को सेट पर से किडनैप करके लेके जाऊंगा। मतलब अंदर जाने का मन बना लिया है। चुप कर, हमेशा बकवास करता है। भाई, तीन जगह से एडवांस आया हुआ है जी। ए, चलो जरा उस लड़की को जाकर उठा ले। मंत्री जी की सांस नहीं चलनी चाहिए, समझा? भाई, प्रसन्नजीत कॉलेज के बच्चे आए हैं। ये एमएलए का बेटा, ये मंत्री जी का बेटा, और ये लड़की सेक्रेटरी के लिए खड़ी हो रही है। नमस्ते। अभी से राजनीति शुरू कर दी है ना? ये देखो कुब्बारे वाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करुणा भाई से मिलना। भाई, उस बिल्डिंग ओनर से आप मिले अच्छा नहीं है। ठीक है, और लड़कों को काम पर भेज दो जी। वहाँ क्या देख रहे हैं तुम लोग? अभी यही हो भाई, गुब्बारे वाला बीच पर दुकान लगा रखी ना, भाई से मिलने आया है। अच्छा, तो यही है वो? भाई, वहाँ दुकान लगाने पे वसूली देनी होती है, पता नहीं है? पता नहीं था भाई। तो पता करना, कहाँ से आया है? कहाँ से? त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम, अरुण को जानते हो? अगर हाँ कह देता ना तो इसे यहीं गाड़ देता, 2 साल पहले बस स्टैंड पर मारा था ना। ए, सारा हिसाब बराबर रखा करो, मैं क्या करता हूँ मुझे खुद ही याद नहीं रहता। ए, तू त्रिवेंद्रम से यहाँ क्यों आया है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज कराना है, इसीलिए गुब्बारे की दुकान लगा रखी है। ए, ये एरिया अपना है, दुकान नहीं लगा सकता, लेकिन तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए लगा ले दुकान। लड़के जाएंगे, रोज का 100 रुपया दे देना, फेस्टिवल में ज्यादा लगेगा। हाँ,
जाके गुब्बारे फुला, चल। बोलो करुणा, ठीक है, हो जाएगा। मेरी शादी है साहब। कहाँ से आए हैं आप? आपके पड़ोसी हैं। कभी देखा नहीं आपको, खुश रहो। नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से हो रही सभी हत्याएं पैसों के लिए की जा रही है और हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कत्लों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकता। सर, ये लोग तमिलनाडु के हैं या बाहर के? इस गिरोह का लीडर कौन है? इसमें राजनीति भी तो हो सकती है सर। आखिर ये कत्ल कब रुकेंगे? इन सभी का क्या जवाब है? कल शाम को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु के प्रशासन के दिग्गज अधिकारियों ने साथ मिलकर इस मुद्दे पर बैठक की थी, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इन कत्लों को रोकने के लिए एक नई फोर्स तैयार की गई है, वो जल्द ही तमिलनाडु में हो रहे इन कत्लों को रोकेंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। अरे नारायण भाई, तीन चाय तो मंगवा दो यार। विश्वास नारायण, कितना अच्छा नाम है मेरा, आधा क्यों बोलते हो? अदरक की चाय चाहिए या इलायची? तुम की? अदरक डाल के बनाओ या इलायची डाल के, चाय पीने जैसी होनी चाहिए। हाँ, अदरक की चाय बना दे। एक बिस्किट दे। ओए, अरे वाह नारायण, आज का कलेक्शन तो काफी अच्छा भाई। धंधा ही नहीं है, देखो ना सारे टोकन ऐसे ही पड़े हैं। ये देखना भाई, आज के जमाने में कोई बच नहीं सकता, कमिश्नर के घर में भी चोरी हो गई। अरे वो छोड़, ये देख, समंदर का रखवाला करुणा भाई का जन्मदिन। ये बात तो नहीं पता थी हमें। करुणा भाई जिंदाबाद, करुणा भाई जिंदाबाद, करुणा भाई जिंदाबाद, करुणा भाई जिंदाबाद, करुणा भाई जिंदाबाद। रखवालों का रखवाला करुणा जिंदाबाद, समुंदर के राजा करुणा जिंदाबाद, भाई करुणा की जय हो जिंदाबाद। आज हम करुणा भाई के जन्मदिन पर जिन लोगों ने वीरता का प्रमाण दिया है उन्हें इनाम देके सम्मानित करेंगे। भाई की आज्ञा से मदुरई बाजार में खौफ कायम करने के लिए मोहन का सम्मान करते हैं। अपना मोहन जिंदाबाद। इसके बाद मंत्री जी का काम तमाम करने वाले छुरे से तेज शिव कुमार को सम्मानित किया जाता है। पुलिस के सामने अपने दुश्मन को टपकाने के लिए सम्मानित किया जाता है अमानिए को। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, बोलो। हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ हैप्पी हैप्पी है। तुम एक काम करो, सभी लड़कों को साथ लेकर अपने एरिया में आ जाओ, आज मस्त पार्टी है, मिस मत करना, समझा? हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं जरूर आऊंगा। भाई जन्मदिन मुबारक हो भाई। इसको देखो बहुत बढ़िया। हाँ भाई थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसा चल रहा है? एंजॉय करो सब लोग, जाओ। मैडम आ गई, आइए सर आइए। हाय मैडम, मैं अमर हूँ। नमस्ते। ये है मॉल के ओनर। हाय। ये है मेरी पार्टनर अमृता। हाय, वेलकम मैम। आइए आइए। ओके। प्रिया, थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। प्लेजर इज माइन। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आइए। कहाँ है ये बिल्डिंग का ऑनर? ऊपर ही है भाई। कोर्ट में केस है, ये बात तो सही है, लेकिन फैसला अब हमारे पक्ष में है। लीगल पेपर्स देखेंगे क्या? यस। एक और बात करुणा की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसके लिए मैं सिटी में 7 लाख बिल्डिंग मेरे ही कंट्रोल में है। मुझसे चोरी छुपे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। अगर फिर भी किसी ने बेचने या खरीदने की सोची तो कोई जिंदा नहीं बचेगा।
तेरी जायदाद अगर तुझे चाहिए तो आज के रेट के हिसाब से उसका 25% मुझे चाहिए। कोर्ट या फिर मंत्री के पास जाने की अगर सोचेगा भी ना तो तू ही खत्म हो जाएगा। जानता है ना, अगर मर गया तो वापस नहीं आएगा। ए, इस पर नजर रखो। ए, इस साल इलेक्शन में मंत्री जी की बेटी और सुरेश जी का बेटा खड़ा होगा। हल्ला जरूर होगा इस बार। वो चाहे जो कुछ भी कर ले, हम इलेक्शन जीत कर ही दिखाएंगे। डरा धमका कर वापस लेने के लिए कहेंगे, पर हमें डरना नहीं है। हाँ, जब तक इलेक्शन नहीं होता हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन। मैं मैरीना बीच से बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ लड़कों को कुछ गुंडे हाथ में चाकू लेकर मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। तुम कौन बोल रहे हो भाई? मेरी यहाँ पर बलून शूटिंग की दुकान है। अपने धंधे पर ध्यान दो ना। हेलो, क्या करुणा, कोई परेशानी है क्या? क्यों, क्या हुआ? हमारा पुलिस स्टेशन तो तुम्हारे कंट्रोल में, मेरीना बीच तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है क्या? किसी ने कुछ बोला क्या? क्या बात हुई? वो क्या है ना, कॉलेज के लड़कों को मारने के लिए आपके लड़के जब बीच पर गए तब अपने स्टेशन पर एक फोन आया। बात कहीं और चली गई तो परेशानी हो सकती है, जरा संभाल कर काम करो ना। फोन किसने किया था कांस्टेबल साहब? पीछे भागते हुए देखा, ऐसे गुब्बारे के किसी दुकान वाले ने कहा। क्या, गुब्बारे की दुकान वाला? कौन है ये भाई, इन्हें ऐसे क्यों बिठा रखा है? इसमें से किसी ने पुलिस को खबर दी हुई है, डगलस को पूछताछ करने के लिए बोला है। ये लो भाई, उसकी बात छोड़ो। हां भाई, अरे पहनो भाई, चलो फोटो खिंचवा लो। हां भाई, हां मस्त लग रहा है। हां बढ़िया। ए कैमरा फोटो लो। ए जल्दी ले लीजिए भाई। भाई आ जाओ, फोटो खिंचाते हैं। सीधे सीधे करिए। वाह वाह वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ए बात एक भाई के साथ मेरी भी एक फोटो। हां हो गया। जेल के पास, पुलिस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास, तो बड़े बड़े पोस्टर लगवा, समझ गए ना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। भाई कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। किसने फोन किया था? तुम लोग ऐसे जवाब नहीं दोगे। किसने फोन किया था, कौन है, पूछ रहा हूँ ना। मैंने फोन किया था। तूने पुलिस को खबर दी थी? तुझे तो मैं इससे पूछ रहा हूँ ना, मर्दों के मामले में तुम क्यों पढ़ रही हो? चाकू से चाहे कोई भी मारे, फिर वो औरत हो या मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जान वापस नहीं आएगी। तुम मेरी जान हो जान, तुझे तो मैं। कहाँ से आया तू? त्रिवेणी से आया है, इसका बाप अस्पताल में है, इसलिए मैंने ही परमिशन दी थी दुकान लगाने की। मैंने कहा था ना किसी अनजान आदमी को दुकान लगाने की इजाजत मत देना, अब देखा ना क्या हो गया। आपके आदमी थे, पता नहीं था भाई, अगर पता होता तो फोन नहीं करता। करके देखो, करना। छोले बेचने वाली बुढ़िया ने भी कहा है भाई, इसका बाप अस्पताल में है, ये सच है। ए, आगे से तुझे खबरी लाल बनते हुए सुना ना मैंने, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल, चल भाग यहां से। किसी पर भरोसा मत करना। ठीक है। चंद्रशेखर बहुत सिंसियर ऑफिसर है, उसका किया कोई भी ऑपरेशन अब तक फेल नहीं हुआ है सर, पैसों का कोई मोह नहीं है। उसका फुल डिटेल इस फाइल में है सर। रिकॉर्ड्स आर वेरी क्लीन। ओह, was posted at Madurai? Yes, sir. तब आप ही वहाँ ruler SP थे ना? Yes, sir. Good choice. Sir. Thank you, sir. इस फाइल में करुणा के बारे में सब? Sorry, sir. उसमें करुणा के बारे में पूरी details नहीं हो सकती, उसे follow करेंगे तो divert होंगे। You mean he's running a black government? Yes, sir. Corporator, राजनेता, real estate, film वालों से उसका सीधा संबंध है सर। इनफैक्ट मर्डर को एक नौकरी की तरह पेशा उसी ने बनाया है सर। मैंने कुछ दिन उसे फॉलो किया तो पता चला उसका यह नेटवर्क तमिलनाडु में होने वाली हत्याओं की वजह है सर। हे भगवान, ये क्या हो गया?
20 साल पहले मदुरई में उसने दोस्ती के लिए एक कत्ल किया था। तिरुनेलवली और तुतुकुड़ी में जाति के लिए उसने एक कत्ल किया था। तिरुची में गुंडागर्दी दिखाने के लिए और कोयम्बटूर में धंधा जमाने के लिए। उसके बाद विल्लुपुरम में राजनीति के लिए किया, लेकिन चेन्नई में पैसों के लिए खून करता है। आज ये वायरस की तरह पूरे स्टेट में फैल चुका है सर, और इसके पीछे सिर्फ करोना है। करोना पर कोई खतरा आता है तो वो समुंदर के अंदर चला जाता है और मामला ठंडा होने के बाद वापस बाहर आ जाता है। सो सिर्फ करोना ही नहीं, पूरा नेटवर्क रेडिकेट करना होगा। इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए। Yes, it's granted. Thank you, sir. अपने डिपार्टमेंट में मुझे कुछ लोगों पर भरोसा नहीं है। मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा। एक हफ्ते में आपको पूरी डिटेल्स देता हूं, सर। चंद्रशेखर सर, CM is very sensible about this decision. Don't bother about anybody doing any interference. हाँ, और एक बात, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, ओके? सर सर, I'm चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर। कुलशेखर, राइटर सर। सिंह राज, कांस्टेबल। गोपाल स्वामी, कांस्टेबल। परम शिवम, कांस्टेबल। कमल राज, कांस्टेबल सर। चित्रा, SI सर। आज तक तुम लोग इस थाने में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने संविधान के सारे नियम और कानून को सिंसियरली फॉलो करता हूँ। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप छुट्टी लेकर के आराम से घर पे सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? यस सर। कुलशेखर जी रुकिए। सर, FIR book, FIR index, current register, progress register, office register, convict register, convict memorandum और crime abstract, ये सारी चीजें मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। मैं आपको कल तक दे देता हूँ सर। क्यों, कोई फाइल नहीं है क्या? सारी फाइलें तो है सर, उन पर पड़ी धूल साफ करनी होगी, मुझे थोड़ी डस्ट एलर्जी है सर। सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ रहा है। अगर हर साल आप लोगों का फिटनेस का टेस्ट हुआ तो आधे लोग घर पे बैठ जाएंगे। जाइए अभी, सारी फाइल्स लेकर आइए। यस सर। Alvin, all the best. अरे नहीं, सच्चे पुलिस वाले को कभी किसी के पैर पर नहीं गिरना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। उतार इसे। उतार। चल। निकाल। उतार। चलो। बैठ। बैठ जा। मंत्री ने मांगा है तो दे देता हूँ। ये हमारी पुश्तैनी जायदाद है। हाँ तो पैसे दे रहा हूँ ना। 500 करोड़ की वैल्यू है, 2 करोड़ दे रहे हो। वो गवर्नमेंट के हिसाब से, ये करोना के हिसाब से। मैं धमकियों से नहीं डरता, मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। चल बैठ, तुझसे बात हो रही है ना? हाँ, कमिश्नर के करोना भाई से बड़ा क्या तेरी जान बचा पाएगा वो? तुम भले ही मुझे मार डालो, लेकिन मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं नहीं दूंगा। जायदाद चाहिए या जान चाहिए? मंत्री जी, जायदाद की इच्छा रखने वाले को मैंने भेज दिया, अब जो मुझे मिलना चाहिए वो आप भेज दीजिए। कहता है धंधा ठंडा चल रहा है और नोट पे नोट गिने जा रहा है। इसमें से आधा तुम लोगों के बाप ले जाते हैं, उसमें से हमें थोड़ी ना कुछ मिलता है। ये इसमें है सारे फोटो। अमर, नया इंस्पेक्टर आया है। नया इंस्पेक्टर आया है, वो कैसा है? अपने हिसाब में आएगा क्या? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है नारायण, कुछ दिन के लिए अपनी दुकान बंद करके रखनी पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी? ऐसे इंस्पेक्टर मैंने बहुत देखे हैं, ACDC कमिश्नर सभी को मैंने बहुत झेला है। नए नए आते हैं ना, तो इसीलिए कड़क कपड़ों की तरह कड़क बन कर रहते हैं, बस कुछ दिन का ही कड़कपन है, थोड़ा कटिंग ज्यादा मांगेगा, वो कैसे झांसे में आएगा देखना। नहीं नारायण, मेरी बात मान लो,
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चंद्रशेखर है ये। यहाँ किसे गोली मारने आया है पता नहीं है, इसीलिए मेरी बात मान लो। क्या बोल रहा है ये, गोली मारने आया है? लगता है कुछ दिन के लिए बंद करना ही पड़ेगा। क्यों रे, कटिंग को ही कटिंग दे रहा है, कलेक्शन में 1000 रुपए कम है। एक मिनट भाई, वो पुलिस वाले का बेटा है। हाँ बोलो अमर। भाई एक जरूरी बात करनी थी। भाई आपको याद है उस दिन कॉलोनी में गुब्बारे बेचने वालों से आपने पूछताछ की थी? उनमें से एक को मैंने पुलिस के यूनिफॉर्म में देखा। मैं उस दिन की फोटोज देख रहा था, वो आदमी उन फोटो में भी है और आज वही यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा है। मैंने सुना है कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। ये सच बोल रहा है या झूठ? ठीक है मैं रखता हूँ भाई। क्या है ये सब, हमारे बीच हमसे छुपकर एक पुलिस वाला दुकान लगाए बैठा था, क्या कर रहे थे तुम लोग? हाय गाइस, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट। डीजीपी, इंटेलिजेंस आईजी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इन लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता। सक्सेसफुली करना होगा। सर, सॉरी मिस्टर ऑलविन, शादी हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने आपको इतनी जल्दी बुला लिया। आई नो यू आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई आई नीड यू। इट्स ओके सर। ऑलविन, गुड जॉब। यस सर। माधव नगर का हर एक घर करुणा की आंखें हैं। हम लोग चाहे जहां से भी एंटर करें, हमें कोई ना कोई जरूर देख रहा होगा। कॉलोनी में एंटर होते ही काउंटडाउन स्टार्ट्स। हमारे पास ये 5 मिनट होंगे, 299 सेकंड में फायर करेंगे। कुल 3 एक्शन होंगे, कॉलोनी की एंट्री, करुणा का घर और उसका एनकाउंटर। ओके, फोन। यस सर। घर से है क्या? यस सर। बात कर लो। पुलिस वाले का काम ऐसा ही होता है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। हेलो, बाद में बात करता हूं भाई। मैंने बोला बात कर लो, जाओ। ठीक है सर। हाँ, खाना खा लिया, मैं बाद में देख लूंगा, एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। सुबह के 3 बजे हम स्पॉट पे होंगे, सर्विलेंस की जिम्मेदारी आपकी है, थोड़ा पहले स्पॉट पे पहुंच जाना। आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा, इस फोन से मुझे कांटेक्ट करना है। यस सर। बी अलर्ट, वेयर इज योर गन? गुड, गो। ये लो। सो ये लो। अब हम लोग इससे आपस में बात करेंगे। ओके, बोलो। बी केयरफुल। सर, ऑलविन सूदन बात कर रहा हूँ, ओवर। ऑलविन सूदन, ओवर। हाँ ऑलविन। लोगों की चहलकदमी ज्यादा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अटैक सर, और थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, मैं दोबारा कॉल करूंगा सर, ओवर। तुम्हें और उनमें कितना फासला है? अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर होगा सर। इट्स नॉट सेफ, 200 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो। ओके सर, ओवर। ऑलविन सर, बोलो सर। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सर, करुणा और उसका भाई डगलस नहीं दिख रहे, लगता है सोने चले गए हैं। अगर अभी आएंगे तो अपने प्लान के मुताबिक अटैक करना ठीक होगा सर, ओवर। ओके ऑलविन, हम आ रहे हैं। ओके सर।
Where are your guns? Check your bullets. Already loaded, sir. Okay, let's go. के जमाने में सॉरी मिस्टर आलविन, शादी हुई एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने आपको इतनी जल्दी बुला दिया। आई नो यू आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई आई नीड यू। मंत्री जी, करुणा बोल रहा हूँ। बोलो करुणा। ये सब क्या है सर? एमएलए का इलेक्शन जीतना है तो करुणा चाहिए, मंत्री का सीट हासिल करना है तो करुणा चाहिए, नकली नोट छापने के लिए, किसी को टपकाने के लिए करुणा चाहिए, और जैसे ही कुर्सी मिल गई तो पुलिस को बलि का बकरा देने के लिए भी करुणा चाहिए। अगर मैं कोर्ट जाकर सरकारी अप्रूवल बन गया ना तो एक हफ्ते में इसकी कहानी खत्म होगी। सीएम का ऑर्डर है, वो ये सब नहीं जानता है ना। इस असाइनमेंट की बात लिख कैसे हुई सर? वो एक्चुअली सफाई नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी टीम में से किसी ने इन्फॉर्म किया है? नो सर, मेरी टीम की कोई गलती नहीं है सर। मैंने एक अच्छे ऑफिसर को खोया है, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने खुद के ऊपर लेता हूं। मेरे करियर की पहली हार। आलविन सूदन, बारह बजे मैं स्टेशन से बाहर गया और सुबह तीन बजे एनकाउंटर मिस हो जाता है। ऐसा कैसे? करुणा तक न्यूज कैसे पहुंची?
मैं इंस्पेक्टर शेखर बोल रहा हूँ। 9600012260 इस नंबर पर 20 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेकर 21 तारीख की सुबह 3 बजे तक की सारी फोन कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। हेलो भाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना भाई। एक सेकंड भाई का फोन है। तूने मुझे बताकर मेरी जान बचाई है, नहीं तो अब तक मुझे गोली मार चुके होते। तू मेरी जान है, जान से भी बढ़कर। तुझे जो चाहिए मांग लेना मुझसे, ये भाई तुझे देगा। भाई क्या आप भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। इसे चेक करो। बारह एक पर मैं बाहर निकला और 12:03 पर तूने करुणा को फोन करके इन्फॉर्म किया। उसके पर्सनल फोन पर तेरे फोन से कॉल गया था। मैं उसका एनकाउंटर करने वाला, ये बात तुझे कैसे पता? मैंने कोई फोन ही नहीं किया सर। सच बोल। फिर तेरे फोन से किसने बात की? मेरे फोन पर सारी कॉल रिकॉर्ड होती है, आप खुद ही सुन लीजिए सर। भाई एक जरूरी बात करनी थी। भाई आपको याद है उस दिन कॉलोनी में गुब्बारे बेचने वालों से आपने पूछताछ की थी? उनमें से एक को मैंने पुलिस के यूनिफॉर्म में देखा। ये अमर कौन है? कुलशेखर हेड कांस्टेबल का बेटा है सर। अगले ऑपरेशन में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अगर नहीं करेगा तो गुंडों के साथ गुंडा बना के गोली मार दूंगा। अब जो भी बोलेंगे करूंगा सर। आपके इस ऑपरेशन में मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा सर। बस ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए सर। डिपार्टमेंट से कोई न्यूज बाहर नहीं जाएगी। बस इतना काफी है सर। सर एक बात और सर, ये करुणा किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए। वो मैं देख लूंगा। इस शहर में मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानती। अगर जानती तो क्या उसके साथ कॉफी पीने आती? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने उस दिन बताया था ना वो ट्रेड सेंटर एग्रीमेंट। ट्रेड? हाँ हाँ करेंगे ना। इस वीकेंड तक साइन करना होगा। हाँ तो कर देंगे। 25 लाख मांग रहे हैं, अगर तुम कुछ हेल्प कर सकते हो तो। मतलब 25 लाख ना? हाँ कर देंगे कर देंगे। अच्छा तो तुम्हें जो जरूरी बात करनी थी वो यही है? हाँ यही है। अरे तो यहाँ बैठकर बात करने की क्या जरूरत है? सीधा कहती 25 लाख लेके आ जाओ, मैं लेके आ जाता। ये बात फोन पे नहीं कह सकती थी क्या? इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसा हा? नहीं है तुमसे मिलने का मन था तो। तो पहले कहना चाहिए था ना कि ये बात। अगर ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। एक प्रॉब्लम है, अमृता को डिपॉजिट के लिए 25 लाख चाहिए, वो भी अर्जेंटली मांगा है। लेकिन इतने सारे पैसे तो कहाँ से लाएगा? कहीं ना कहीं से तो लाने ही पड़ेंगे। सोच रहा हूँ नारायण की किडनी बेच दूँ। तुम लोगों का इतना सीरियस कभी नहीं देखा। मजाक मत करो, हम पहले से ही परेशान है। ऐसी क्या परेशानी है? पूरे शहर की परेशानी मैं दूर करता हूँ, तो क्या तुम्हारी परेशानी दूर नहीं करूंगा? क्या है बताओ। ये बात है, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, दोगे क्या? 25 लाख सुन के रंग उड़ गया। देख इसका 25 लाख ही ना, इसके लिए इतने परेशान हो? क्या बात कर रहे हो यार। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, करेगा क्या? आइडिया? कौन सा आइडिया? 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का सेटलमेंट केस है। या तो मेरे नाम से सेटल करवा सकते हो या फिर अपने बाप के नाम से। दोनों तरह से मुझे तो कमीशन नहीं मिलेगी। तुम तो करुणा को अच्छी तरह से जानते हो ना। हाँ तो बात करके सेटल करवा दो। करुणा भाई ऐसा नहीं होगा, इस हालत में करुणा भाई बात नहीं कर सकते। ऐसे चिल्लर के लिए कितने दिन भटकते रहोगे? बस एक बार बड़ी रकम लेकर सेटल हो जाओ, उसमें तुम्हारा कमीशन ही 5 करोड़ है। 5 करोड़? हाँ। अब क्या करूं, कंफ्यूजन। क्या कहते हो? ठीक है बात करके देखता हूँ। उठाओ उठाओ, लगता है बहुत भारी है, नीचे रखो। हेलो करुणा भाई है क्या? मैं कांस्टेबल का लड़का अमर बोल रहा हूँ। करुणा भाई, वो अमर नाम का लड़का बात करना चाहता है। लाओ। क्या हुआ अमर, कोई प्रॉब्लम है? भाई वो बिल्डिंग खाली करवाने का काम आया है। अब वो सब कैसे? वो क्या है कि वो लोग काफी पैसे देने को तैयार हैं, हम सबको भी कमीशन मिल जाएगा, आप करवा दे तो मेहरबानी होगी। अच्छा वो बिल्डिंग कौन सी है? जेमिनी बिल्डिंग भाई। जेमिनी बिल्डिंग? देख बिल्डिंग की बात मैंने कर ली है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा कमीशन उस पुलिस वाले के लड़के के हाथ में दे देना। चलता हूँ। पुलिस से डरेंगे तो धंधा कैसे करेंगे?
सारी गाड़ियां एक साथ जाएंगी तो पुलिस को शक हो जाएगा। तुम लोग OMR रोड से जाओ, मैं सीधे जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है भाई, चलो। हेलो सर, करुणा का लोकेशन MJ में है सर। ओके भाई, टीवी बंद कर। डगलस भाई बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई बोलिए ना। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। चलो गेंद है। फोन उठाना। करुणा भाई का फोन है, उठा उठा उठा। हाँ भाई बोलिए। तुमने जो बताया था उस बिल्डिंग की बात करवा दी है मैंने। वाह क्या बात है। तुम सीधे वहीं आ जाओ, बिल्डिंग का ओनर मिलेगा, मुझे मिलने वाला कमीशन और तुम्हें मिलने वाला कमीशन, दोनों मिलाकर 25 करोड़ देगा वो। वो सब लेकर तुम भाई को फोन करो। हाँ ठीक है भाई, रखता हूँ। अभी नारायण से मिलने जा रहा हूँ, करुणा 1 घंटे के अंदर सिटी में आ जाएगा। मैं उसे और उसके दोस्तों के साथ लेकर जहाँ जहाँ जाऊँगा तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है? मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे नारायण कभी टाइम पे नहीं आता है। क्या है भाई टाइम देख, अभी नहीं आता तो मैं निकलने ही वाला था, फिर तेरा हिस्सा भी जाता। मजाक उड़ा लो बेटा, जब फंसोगे तब पता चलेगा। करुणा भाई ने इस बिल्डिंग की डील करवा दी है, इसमें उनके हिस्से के पैसे और आपको मिलने वाला कमीशन दोनों रख दिए हैं। इसे करुणा भाई को ले जाकर दे दीजिएगा। थैंक्स सर। थोड़ा संभाल कर, देख क्या रहे, हाथ लगा। रिजर्व बैंक के नोट हैं या शिवकासी प्रिंट के, जो भी हो उससे हमें क्या। सर करुणा सिटी में आ रहा है। हाँ भाई, हम पैसे लेकर माउंट रोड पर ही आ रहे हैं। टी नगर के नेशनल पार्क में आकर फोन। नेशनल पार्क हा? ओके भाई ठीक है। हाँ बोलो बेटी। तुम लोग? हाँ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद पिक्चर देखने जाएंगे। कार से माउंटेन रोड की तरफ जा रहा हूँ, दोस्तों भी मेरे साथ ही हैं। कौन से देखेंगे? अरे जल्दी चल यार। कहाँ हो अभी? कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। टी नगर में है भाई, नेशनल पार्क की तरफ आ ही रहे हैं। लॉयला कॉलेज के पास आकर फोन। लॉयला कॉलेज के पास, ठीक है भाई वहाँ आते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ बेटी, मैं नेशनल पार्क से निकल चुका हूँ, यहाँ से लॉयला कॉलेज की तरफ बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा बेटा। क्या बात कर रहे। लॉयला कॉलेज के पास ही हूँ, आप कहाँ हो भाई? अडियार आकर फोन करो। अडियार? ठीक है, अडियार आके फोन करता हूँ भाई आपको। क्या भाई, लगता है सारे मिले हुए पैसे पेट्रोल भी खत्म हो जाएंगे। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है फोन रखो। ए, तू सीधे पांडिचेरी निकल। तू निकल। सर करुणा बीएन रोड पर अपनी कार बदल रहा है, TN22BC1 सर, स्कॉर्पियो सर। अडियार पहुंच गए हैं भाई, आप अडियार में कहाँ हो? तुम एक काम करो, सीधे फिल्म सिटी आ जाओ। हाँ ओके भाई। सर अगेन करुणा का लोकेशन ECR दिखाई दे रहा है सर। कार्तिक। यस सर। जेराल्ड को फोन लगाओ। ओके सर। सर फोन स्विच्ड ऑफ है। एड्रेस कहाँ है? एड्रेस किसी पढ़े लिखे से पूछो भाई, एड्रेस पूछ रहा है।
चलो निकलो। क्या करेंगे यार, बहुत डर लग रहा है यार। ए, अपने साथ ऐसा होगा मुझे पता था क्या? हम बिल्डिंग खाली करवाएंगे, हमें कमीशन मिलेगा बस। अब इन पुलिस वालों ने हमारे जरिए करुणा भाई का एनकाउंटर करने का प्लान किया है, मुझे कैसे पता चलेगा? करुणा ने ये सोचा कि हमने ही पुलिस के साथ ये सब करवाया। अरे तो? नहीं यार, करुणा भाई हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वो पुलिस वालों के बारे में भी जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि करुणा भाई हमसे नाराज तो नहीं है ना। ला फोन दे। हेलो हेलो, मैं पुलिस कांस्टेबल का बेटा अमर बोल रहा हूँ। तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हिम्मत है तो बता तू कहाँ है। मेरे पति को पकड़वाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे थे ना तुम लोग। आखिर पुलिस वाले की जान दिखा ही दी ना तुम लोगों ने। मेरे भाई की मौत का पता मेरा पति तुम्हें मार कर जरूर लेगा। डगलस के इनकाउंटर के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो है ना, इनकाउंटर के नाम पर प्लान की हुई एक हत्या है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। मतलब प्रशासन ने जानबूझ के ये हत्या की है? मासूम लोगों को मारने का अधिकार प्रशासन को नहीं है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। पुलिस डिपार्टमेंट की इस जानबूझकर की हुई हत्या के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं, इसके राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से हम लोग हाई कोर्ट में न्याय की मांग रखेंगे। डगलस की मौत पे यहाँ लोगों का कहना है कि एक सोची समझी रणनीति थी। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बारे में लोग हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सच के सामना से कैमरामैन मयूर के साथ मैं अजय यादव। करुणा को तुम लोगों ने अपनी फैमिली में शामिल किया हुआ था, बस तुम लोग के रेशन कार्ड में उसका नाम नहीं है। क्या सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आरोपी को बोलने का मौका देते इसलिए जहां भी जाओ बस शोर ही होता रहता है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दो। सर ये क्या है सर, हमारे बच्चों की गलती की वजह से आप हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं? तुम लोग कि तुम्हारे बच्चों ने गलती की है, सरेंडर कराओ। क्यों उन्हें सरेंडर कराए सर, उनकी गलती के आड़ में आपने किसी और को गोली तो मरवा दिया ना सर। चुप करो तुम। आलविन सुदन कितना ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जानते हो ना तुम? कल तक वो मेरे साथ ही था, आज नहीं है। मार डाला उन्होंने, शादी हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। तुम लोग अपने लड़कों के बारे में सोच रहे हो ना? आलविन के पापा को क्या जवाब दोगे, उसकी पत्नी को क्या जवाब दोगे? इस यूनिफॉर्म को पहनना ही उसका एक सपना था, लक्ष्य था। इस यूनिफॉर्म को पहनकर डिपार्टमेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसे मार डाला गया। लेकिन इसी यूनिफॉर्म को पहनकर तुम्हारे जैसे लोगों ने चार चार अपराधी पैदा करके शहर में छोड़ दिया है। मेरे ऑपरेशन के फेल होने की वजह तुम्हारे बेटे हैं। पुलिस फैमिली में पैदा होकर, पुलिस का दिया खाकर, पुलिस क्वार्टर में रहकर पुलिस वाले के मरने का कारण बन गए। नहीं छोड़ूंगा उन्हें मैं, सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, उन्हें लाकर सरेंडर कराओ, नहीं तो उसी क्वार्टर में घुसकर उन्हें हथकड़ी पहनाऊंगा। आगे तुम लोग सोच लो, जाओ जाओ। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम यहां छत पर खड़े हो। पापा मैंने करुणा भाई को फोन किया था, उनकी बीवी ने फोन उठाया, करुणा भाई के भाई की इनकाउंटर की वजह हम लोग हैं ऐसा कह के गालियां दे रही थी पापा। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि वो हमारे टुकड़े करके समंदर में फेंक देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। उस चपटी चेहरे वाली ने ऐसा कहा? तुम लोग क्या उसके खाने की चीज हो जो तुम्हारे टुकड़े कर देगी? पुलिस वालों के बेटे हो, तुम्हें हाथ भी लगाए तो पता है क्या होगा? ए कमल, तुम बेकार में कुछ भी बोलकर उनका दिमाग भ्रष्ट मत करो। एक तरफ से वो इंस्पेक्टर धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ से करुणा के आदमी। अगर हम सीधे करुणा से ही जाकर मिले तो? ताकि वो हमें पाकर हमारा ही बलि चढ़ा दे। हम पर हाथ नहीं उठा सकता वो, उसे हम समझाएंगे कि करुणा तुम्हारे भाई के एनकाउंटर में हमारे लड़कों का कोई हाथ नहीं है, इतने सालों हमने उसका साथ दिया है, हम कहेंगे तो हमारी बात मान लेगा वो। हाँ पापा, सोचो मत, जाओ पापा। सुनो मेरी बात, हम करुणा के हाथ पैर जोड़ेंगे तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन एक बात अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो, भूल से भी पुलिस स्टेशन की तरफ मत जाना, वो इंस्पेक्टर तुम्हें पकड़ के अंदर कर देगा। जलेशन 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 जलेशन
इसे समुद्र में विसर्जित करके आइए चाहिए। ओम त्रयम् भगम् मे जामः सुगन्धिम् वट्टवर्धनम् वारुकम् मृगवन्दनम् वृक्षोऽमुक्षे जमामृताहादे। करुणा, तुम्हें ऐसे देखते हुए बहुत दुख हो रहा है। सिर्फ सांप ही नहीं, उनके सपोले में भी जहर होता है। नहीं नहीं करुणा, ऐसी बातें मत करो। हमारे लड़कों का और उस एनकाउंटर का कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस वालों के लड़कों पर भरोसा मत करना, मेरे भाई ने कहा था। मैंने नहीं माना, इसी जगह पर तुम लोग भी अपने लड़कों का क्रिया कर्म करोगे। तुम्हारे किए कई हत्याओं को हमने बाहर आने से छुपाया है। डिपार्टमेंट से छुपाकर हमने कितनी सहायता की है, तुम हमारी एक सहायता भी नहीं कर सकते। आज तक काम खत्म करने के बाद मैंने पैसे दिए तुम सबको। आज पहली बार पैसे देने के बाद काम करूंगा। लड़कों के टुकड़ों को बीनने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी भिजवाऊंगा। नहीं करूंगा, मुझे मत मार। भाई को मरवाया ना तूने? कोटीगिरी में मैंने अपने दोस्त को फोन करके बता दिया है। वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा, कैसे भी करके वहां तक पहुंच जाना। तुम लोग संभल कर रहना, जब मैं वापस आने के लिए कहूंगा तभी तुम लोग वापस आना, ठीक है? समझ गए? कुछ दिन बाद करुणा को उसके दुश्मन तो मार ही डालेंगे उसे, या पुलिस एनकाउंटर कर देगी। जैसा भी है मैं फोन करूंगा, उसके बाद ही तुम लोग आना। मेरा दोस्त मिलिट्री वाला है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, उससे कोई बहाना करके मत चले आना। देखो बेटे, अपनी जान तो बचा नहीं आना। शहर में क्राइम को कंट्रोल करने का बस एक ही रास्ता है, एनकाउंटर, है ना मिस्टर चंद्रशेखर? सर, करुणा ने अभी तक 32 लोगों का खून किया है, उसमें 4 पुलिस ऑफिसर्स, 2 पॉलिटिशियंस और 14 इनोसेंट्स हैं। मरने वालों से करुणा का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए हत्या की गई है। The courts are there to decide who's criminal and who's accused. Your job is just to file an FIR and produce the accused in court, not to shoot. मैम, एक्यूज को पकड़ने जाते हैं तो जान हथेली पर रखकर जाते हैं। हमारी जान की जवाबदारी नहीं है, जब कोई रास्ता नहीं बचता तभी पिस्तौल तानते हैं। तो एक काम करो, तुम सब लोग अपने अपने हाथों में एक एक पिस्तौल लेकर जो दिखे उसे शूट करते रहो, और हम लोग कोर्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं और घर में जाकर सो जाते हैं। गोली मारने से अगर सफाई होती है तो गोली चलाने में कोई बुराई नहीं है सर। हम बैठ करके सिर्फ ऐसे बातें करते रहते हैं, इसीलिए एशिया की सबसे बड़ी जेल तमिलनाडु में है सर। लुक, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइंड इट, यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंस ऑफ डगलस मर्डर। यस सर, आई नो। व्हाट यू नो, क्या जानते हो तुम? पुलिस ऑफिसर और बिल्डिंग ओनर को तुमने मार डाला है, सो अब तक अरेस्ट वारंट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ह्यूमन राइट्स में पिटीशन दिया हुआ है ना? ऐसा नहीं है करुणा, सिर्फ उस वजह से नहीं छोड़ रखा है, और भी कोई चाल है। ध्यान से सुनो करुणा, अब तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा। कुछ दिन के लिए उन पुलिस वालों के लड़कों को जाने दो, बाद में देख लेंगे। क्या वकील, डरने के लिए कह रहे हो? ये करुणा कभी मौत से नहीं डरा है, या तो एनकाउंटर से मरेगा या दुश्मनों के हाथों मरेगा। धोखा देने वालों के हाथों नहीं मरेगा। पुलिस को तुम लोग देख लो, उन्हें मैं देख लूंगा। क्या हो रहा है? खून, खून? कहाँ है खून? करुणा ने तुझे चाकू मारा यार। कितना अच्छा सपना है, सिर्फ मुझे चाकू मारा, तुम लोगों को नहीं मारा। डरना बंद कर, चल। कुछ नहीं होगा यार, आराम से सो जा, चल। एस
ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे शहर में एसी चला रखा है। ओए, घर आ गया उतर। हेलो नमस्ते, कर्नल जी हैं क्या? कर्नल अंदर ही हैं, जाओ। कर्नल का है पूछा, भाव क्यों खा रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें मैंने कहीं देखा है? मिलिट्री और पुलिस का कभी मेल नहीं होता। मैं मिलिट्री वाला हूँ, तुम्हारे पापा पुलिस वाले हैं। मैं मेहनत की खाता हूँ, तुम्हारे पापा दूसरों की मेहनत की खाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा दोस्त है। तुम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की है? डिग्री की है। तुम्हारे पापा ने तुम सब लोगों के बारे में बताया है। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेहनत करोगे तो ही। हाँ, आप जो काम देंगे हम करेंगे। जल्दी जाकर तुम लोग तैयार हो जाओ, बेल के बजते ही आना होगा। ठीक है सर। सर, उन लड़कों की माएं यहाँ खड़ी हैं। अमर कहाँ है बहन? अपने बच्चे और पति की गलती को आपको ही सुधारना होगा। आपको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। जवाब दीजिए, अगर मर्द लोग नहीं समझते तो आप औरतों को समझना चाहिए। आपके भले के लिए पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? बाप बेटे मिलकर हंगामा शुरू करते हैं सर। वो लोग कहाँ गए हैं पता है आपको? कहाँ गए हुए हैं, क्यों भेजा हुआ है, ना इन्होंने हमें बताया ना बेटे को। अपनी पत्नियों की इज्जत करेंगे तो ही बच्चे माँ की इज्जत करेंगे ना सर। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर दीजिए। हमारे बच्चों का नंबर हमारे पास ही नहीं है। स्टेशन में मिलने वाले पैसे पहले ठीक से बंटवाइए सर, पता नहीं किस किस को बांटकर हमसे आकर झगड़ा करते हैं। सुधारा नहीं जा सकता इन लोगों का। गाड़ी घुमा। यहाँ अमर का घर कहाँ है? तुम कौन हो बेटी? मैं अमर की फ्रेंड हूँ। कब से जानती हो? 6 महीनों से। रिलेशनशिप क्या है? He is my boyfriend. क्रिमिनल से प्यार करना तुम लोग के लिए फैशन बन गया है ना? माइंड योर वर्ड्स सर, अमर क्रिमिनल नहीं है। आई नो हिम वेरी वेल। तुम्हारी नजर में लवर होगा, कानून की नजर में क्रिमिनल है वो। कितना बड़ा काम किया उसने पता है तुम्हें? ये देखते ही प्यार कैसे हो जाता है, वो कैसा है, क्या करता है, उसके साथ लाइफ कैसी गुजरेगी, ये सब नहीं सोचते हो क्या? अपनी लाइफ खुद ही स्पॉइल करते हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी सर, मुझे किससे प्यार करना है ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा, हो सकता है अमर क्रिमिनल होगा, फाइन, पर उस वजह से मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो कहाँ है बता करके जा सकती हो? मैं नहीं जानती सर। तुम्हारी बातों पर भरोसा है मुझे, अगर वो तुम्हें कॉन्टेक्ट करे तो मुझे इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस को धोखा देने का मतलब क्या होता है जानती हो ना? नाउ यू गो। क्यों दोस्तों, इतनी बॉटलें रखी हैं, ये मिलिट्री वाला इन्हें पीता है या इससे नहाता है? भाई, एक एक बोतल और पियेंगे तब जाके सर्दी कम होगी अपनी। हाँ यार, वैसे भी मिलिट्री वाले स्ट्रिक्ट होते हैं, पर इन मामलों में तो थोड़ा समझ के लेना चाहिए ना उनको। नमस्ते सर। सिट डाउन। क्या हुआ, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ सर, बस आज के लिए ड्रिंक्स दे रहा हूँ, कल से यहाँ की आदत हो जाएगी। अच्छी शराब देखे 4 दिन हो चुके हैं और ये इतनी सी दे रहा है। बाकी की खुद पिएगा क्या? इतने में तो गला भी तर नहीं होगा। अरे सर, ए, ये मिलिट्री मैन है या बार मैन है? एक पैक बना के गया है, वो भी इतना छोटा। हाँ यार। तू तो पीता नहीं है ना? हाँ, थैंक्स यार। मैंने कब बोला कि मैं नहीं पीता हूँ? नमस्ते अंकल, आलविन सुदन के मारे जाने पर सरकार की तरफ से कॉम्पनसेशन। वैसे तो मुझे घर पर आकर देना चाहिए था, पर आपने यहाँ बुलाया इसलिए। मेरा बेटा वापस तो नहीं आएगा, ये किसी अनाथालय को डोनेट कर दो। उसने पैसे के लिए वर्दी नहीं पहनी थी। इस समय आईसीयू में कौन है? वो अलविन की पत्नी है अंदर। लेकिन उन्हें क्या हुआ? शादी के 1 महीने के अंदर मेरा बेटा मर गया ना,
तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए उसने सुसाइड की। जान को तो खतरा नहीं है ना? डॉक्टर ने बोला है कि बच नहीं पाएगी, मर जाएगी तो ही ठीक होगा, कम से कम इस दर्द से तो छुटकारा मिलेगा। देख सकता हूँ क्या उनको मैं? आइए। आपका बेटा अचानक मर गया, ये बात आप सहन नहीं कर पाई और उसका इल्जाम इस बेचारी पर डाल दिया। अगर मर्द के हर अनहोनी के पीछे अगर हम औरत को एक वजह के रूप में देखेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी माँ जी। तकलीफ तो उसे भी है ना माँ जी, उसे बेटी की तरह देखिए और उसे एक अच्छी जिंदगी दीजिए, खुश रहेंगे माँ जी। सिर्फ आलविन सुदन ही आपका बेटा नहीं था, यूनिफॉर्म पहने सारे लोग आपके बेटे हैं, चिंता मत कीजिए। सर हमारे पैसे के लिए खाकी वर्दी नहीं पहनी थी उसने, सुना ना तुम लोगों ने? तुम लोगों की आंखें खुली या नहीं? तुम लोगों के लड़कों ने अब तक जो गलतियां की हैं उसकी सजा उन्हें हर हाल में भुगतनी होगी, उसकी कोई माफी नहीं है। एक बात और याद रखना, तुम लोग डिपार्टमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। आखिर उसने पुलिस वालों का दिमाग दिखाई दिया? नहीं पता। उस हीरोइन को लेकर गया था ना? क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ घूम रहा था ना? कहाँ है वो? नहीं पता। काट डालूंगा तुझे। करुणा, मेरी बात मानो, मैं बोल रहा हूँ ना? तो मैं डर कर बैठा रहा हूँ? नहीं, सब्र करने को कह रहा हूँ। देखो अभी इस हालात में इसे मार के अपना कोई फायदा नहीं होगा, हमें तो वही लड़के चाहिए। वैसे भी इंस्पेक्टर ने इससे इंक्वायरी की हुई है, इसका नंबर भी ट्रेस आउट कर रहे हैं, उसके जरिए इस जगह को आइडेंटिफाई करके वो यहाँ पहुंचकर तुम्हारा एनकाउंटर कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ करुणा, हमने हाई कोर्ट से जवाब मांगा हुआ है, बस एक हफ्ते में जवाब अपने पक्ष में आ जाएगा, तब तक थोड़ा सब्र तो करो करुणा। सुना सुना हर पल तन्हा मैं हूँ, बुझा बुझा ये जहाँ है डूबी डूबी मैं अंधियारे में, कोई भी नहीं जिनसे कहूँ मैं बातें ये मेरी दिल की, समझो ना अब क्या मैं करूँ के कुछ तो हल हो इस अमर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ अमृता। नहीं अमर, अगर मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी होती तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते, मेरी वजह से तुम फंस गए। अब तुम उदास क्यों हो रही हो? रोना बंद करो, आंसू पोंछो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ अरे हाँ, सब याद आ गया कि तुम लोग कौन हो। करुणा बोल रहा हूँ। मैं ऊटी आया हुआ हूँ, कहाँ आना है?
तुम्हारे साथ तो ये सब करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। अमृता, उन्हें देखो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मेहनत हम करेंगे और हमारे साथ खाना ठूस ठूस कर ये लोग खाएंगे। यहाँ हालत खराब है और इसे प्यार भी बोलो तुमसे नाराज है और तुम हो कि तुम्हारे आने से पहले तक ऊटी की सर्दी ने हालत खराब कर रखी थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे आग के लकड़ी के पास बैठकर गर्म रजाई ओढ़कर ठंडी का मजा ले रहा हूँ। हम यहाँ जल रहे हैं। हाँ जलो ना, जलो। हाँ रुको रुको, यहीं पे हो। वहाँ देखो, वहाँ वो देख करुणा। अरे भाग दे, चलो भाई भाग, चल भाग जल्दी जल्दी, भागो भागो जल्दी 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 जल्दी। कहाँ जाओगे? पकड़ो, भागने ना भाई, भागो भागो चलो भागो भागो चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी। वो झाड़ियाँ देख रहे हो? हाँ भाई। ए, ये करुणा कौन है? ए, तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा? अरे वो यहाँ आया हुआ है इसलिए। ए, ये क्या कह रहा है? लड़के कहाँ है? उनके आदमियों को देखते ही वो लोग जंगल की तरफ भागने लगे। भाई हाँ, एक फोन कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ लो। ए, सामान उतरवाना। हेलो, कौन है? हेलो पापा, मैं अरुण बोल रहा हूँ। अरे अरुण, कैसा है? ठीक तो है ना? ए, साथ में मेरा बेटा भी है ना? करुणा ने हमें देख लिया था पापा। इस समय हम केरल में हैं और ज्यादा नहीं भाग सकते। हम अपने बेटे को ही नहीं बचा सकते, कैसे पुलिस वाले हैं आप? अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? पुलिस वाले होते हुए अपने बेटे को नहीं बचा सकते बोल रहा है। सर, किसी को फांसी नहीं होने चाहिए सर। कत्ल का हिसाब कत्ल से नहीं होता, माफी मांगने वाला ही इंसान होता है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। मानते हैं हमने और हमारे बच्चों ने गलती की है, उसकी वजह से उस खूनी के हाथों तो नहीं मरना चाहिए ना? आप ये सब देखते रहेंगे क्या सर? इनके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? इनमें और करुणा में अंतर क्या है? जैसा हमारे बच्चों ने कहा था, ये यूनिफॉर्म में मार रहे हैं और वो पैसे लेकर मारता है। हमारे बच्चों को कैसे भी बचा लीजिए सर। खाकी वर्दी पहनकर पैरों पर सर, हमेशा वर्दी की बातें मत करा कीजिए। इस वर्दी के पीछे हम जैसे लोग होते हैं तो ही ये वर्दी है। उतार कर जमीन पर फेंक दो तो सिर्फ कपड़ा होगा। इस वर्दी को जितनी इज्जत देते हैं उतने हम इंसानों को भी दीजिए सर। भले ही एक पुलिस वाला हूँ लेकिन हूँ तो मैं एक बाप ना सर, एक बाप हूँ मैं सर। हाँ, दूसरों के रोने का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आज खुद के बेटे खतरे में हैं तो पैरों पर गिर रहे हो। एक गुंडे से डर कर अपने बच्चों को चोर की तरह भगाकर छुपा रखा है, कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? तुम लोगों के बच्चे और बर्बाद ना हो इसलिए मैं तुम लोगों से बोल रहा था कि सरेंडर करा दो, सरेंडर करा दो। और आज वर्दी याद आ रही है तुम्हें? अगर इसकी वैल्यू पता होती तो अपने बच्चों को ऐसे नहीं पालते। जाओ। जाने देना, अब हमारे बाप हमें नहीं बचा सकते हैं। अगर वो लोग हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें घर से इतनी दूर क्यों भेजते? अब किसी को भी फोन करके अपनी जगह मत बताना, ठीक है? अब हमें खुद को बचाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और कितना भागेंगे हम, कहाँ कहाँ जाकर के छुपेंगे? अरे भाइयों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ एक भाई है हमारा, वो हम सबका गॉडफादर है, कोई भी काम हो वो कर देते हैं। मैं तुमको मिलवाता हूँ ना।
मेरे प्यारे भगवान, तू ही तू हर दिशा में है, और जहां तुम हो वहां ये नारायण होगा। पुलिस स्टेशन आए नमा। चुलबुली छोरी। आप लोग यहां उतर जाइए। वो देखो वहां बैठे हैं। मैंने बोला था ना, वही है वो गॉडफादर। ये गॉडफादर? ये गॉडफादर कम फ्रॉड फादर ज्यादा लग रहा है। सुनिए, दूध चाहिए। सुनिए, दूध। क्या हुआ? यह दूध नहीं मिलता, सिर्फ चाय मिलती है। ये चारों गधे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। अच्छा, यहाँ पर मुफ्त में कानून की मदद तो मिलती होगी ना? क्या परेशानी है? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक को टपकाने वाले हैं। तेरी तो हमें वहाँ पे फंसा के यहाँ भाभियों के साथ डेयरी खोल के मजे कर रहा है तू। हाँ, तुझे तो मैं... रुको रुको, तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा नहीं किया मैंने। लाठी के डर से कोई भी होता ऐसा ही करता। चल जा, ये सब तेरे साथ होना चाहिए था, तेरे बदले मुझे मार पड़ी है। अच्छा ठीक है, देखो फिलहाल तो हमारे पास पैसे नहीं है। जब तक इस परेशानी से नहीं निकलते, तुम हमारा खर्चा उठाओ। कोरोना डिपार्टमेंट पर ही हावी हो गया। उसका एनकाउंटर का ऑर्डर कैंसल हो जाए, इसके लिए उसने जज की नाती का अपहरण किया है। उनके नाती को तुरंत रेस्क्यू किया जाए, जज ने हमें रिक्वेस्ट किया है। सर, करुणा अभी तक जिंदा बचा हुआ उसकी वजह जज साहब खुद हैं, और वो आप भी जानते हैं। हम पुलिस वाले इंसानों को जानवरों की तरह मार रहे, उन्होंने ही कहा था ना, अगर एक गुंडा पुलिस वाले को मारे तो क्या मानव अधिकार का केस नहीं बनता? यूनिफॉर्म पहनने वाला इंसान नहीं है क्या? उनका यह कहना है कि एनकाउंटर एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज उनके नाती का किडनैप हुआ है, कल उनका होगा, तब भी न्याय की बात करेंगे क्या? सर, पुलिस वाले को हाथ लगाने का मतलब ये... शेखर, रिलैक्स। सॉरी सर। सर, डिपार्टमेंट में अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए। करुणा को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर देने के लिए कहिए उनसे, उनके नाती को मैं बचा कर लाऊंगा। सर, सर। कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो, मेरा नाती मिल गया क्या? आपके नाती को बचा लिया जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बस बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। एक जज की ही फैमिली सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की फैमिली कैसे सुरक्षित होगी? आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन कुछ भी करके मेरे नाती को सही सलामत वापस ले आइए। चंद्रशेखर। यस सर। मैंने जज से बात कर ली है, ओरली ऑर्डर तो दे दिया है, बोला है जो करना है वो करो सर, लेकिन मेरे नाती को बचा लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। आई एम विथ यू। ओके सर। कार्तिक, जज के नाती को रिलीज करके स्पॉट पे आ जाओ। करना कहाँ है? बोल। सर, सर, मुझे मारना मत सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। कहाँ है वो? इससे मैं उसकी लोकेशन क्या है? बता देता हूँ सर, आखिरी बार ऊटी से बात की थी सर। नंबर बताओ। सर, 9600722222। कार्तिक फोन दो। शिवा। यस सर। एक नंबर ट्रेस करना है। सर। 9600722222। ये किस एरिया में है? इमीडिएट चेक करके बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। सर, सर, मुझे मारना मत, छोड़ दो सर। भाई नमस्ते। भाई क्या हुआ? वो 500 एकड़ की जमीन है ना भाई। हाँ। तुम उसे जल्दी बिकवा दोगे तो काम बन जाएगा। कमीशन दोगे तो सरकार को भी बिकवा सकता हूँ। लूटने वाले का चेहरा हमें भी तो दिखाओ। तो गाड़ी में बैठे हो, हम भी तो देखे। हाँ? हाँ, कहाँ है भाई? नमस्कार। अरे भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई। अरे भाई, भाई छोड़ दो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। बोल। नहीं भाई, उसे यहाँ लेकर आओ। मैं नहीं जानता। चल बता, बता। यहाँ क्या कर रहा है? चाय की दुकान खोली है। यहाँ के लोग खुद काम धंधे के लिए अपनी तरफ से दुकान लगाते हैं। हाँ,
तेरी बातें भरोसे लायक तो नहीं है। मेरा भाई जहाँ मरा था वहाँ मैंने तुझे भी देखा था। पुलिस वालों के लड़कों से तेरा क्या लेना देना है? चाय के लिए ही मैं उनके साथ गया था। पैसों के लिए तुम्हें पुलिस वालों से उन लड़कों ने ही फंसाया था। कहाँ है वो लोग? कौन सा एरिया सर? सिग्नल आलपुड़ी चेक पोस्ट के आगे ब्रिज से नहीं मिल रहे। ओए, ये तो करुणा भाई को यहां तक ले आया। अमृता चलो। संभल के। चल 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 चल। अरे उस तरफ जा। उस तरफ देखो। शिवा ने यही ब्रिज बताया था ना? हाँ। कुमार, इस एरिया को सराउंड करो। यस सर। चुप, चुप हो जाओ। हे, रुको। अरुण, अरुण, क्या हुआ अरुण तुझे? अमृता, अमृता, अमृता। क्या हुआ सर? क्या? उठाओ। तुम लोग इसे लेकर जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। चल चल चल। नीचे फेंको उसे। इसी दिन का इंतजार था मुझे।
नहीं नहीं गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, रुक जाओ। नहीं, डर लग रहा है क्या? गोली मत चलाना। मौत को सामने देखकर डर लग रहा है क्या? मदुरई में खून किया, तिरुचि में खून किया, कोयम्बतूर में खून किया, तिरुनेलवेली में किया, तंजावुर में किया, तूतुकुड़ी में किया, पुदुकोट्टई में खून किया, ये सब किस लिए? सिर्फ अपने जैसे कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से ना। तेरी वजह से कितने लोग मरे हैं जानता है तू उनको? वो कितने भले इंसान है जानता है? उनके परिवार का दर्द जानता है तू? ये सब उनका ही श्राप है कि आज तू मेरी पिस्तौल के सामने खड़ा है। गोली मत चलाना। 12 साल से लेकर 20 साल तक के मासूम बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को जो जिंदगी का मतलब नहीं जानते, उन्हें आज तुमने खूनी बना दिया सिर्फ पैसों के लिए। अरे दुश्मन भी कभी कभी एक दूसरे को माफ कर देता है, लेकिन तुझ जैसे इंसान को जो सिर्फ पैसों के लिए खून करता है कभी माफ नहीं करना चाहिए। तूने जो किया वो पाप था और उस पाप की सजा मौत है। गोली चलाओ, गोली चलाओ। उसकी बात मत मानना, तुम्हारी रगों में भी पुलिस वाले का खून है। गोली चलाओ। नहीं 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 नहीं। मुख्य समाचार। पैसों के लिए कत्ल करने वाला करुणा कल शाम को पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। करुणा केरल में जा छुपा है, ये जानकर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के सुपरविजन में उनकी टीम वहां जा पहुंची। करुणा को घेर कर जब पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, तब उसने पुलिस की पिस्तौल लेकर गोली चलानी शुरू कर दी। अपनी रक्षा करने के लिए पुलिस ने उस पर गोली चला दी और वो वही वारदात स्थल पर ही मारा गया। सिर्फ आलविन सूदन ही आपका बेटा नहीं है, यूनिफॉर्म पहनने वाला हर पुलिस वाला आपका बेटा है।